जिला स्तरीय अंडर 14 लड़कियों की खेलकूद प्रतियोगिताएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडबी में संपन्न हुई। हॉकी में MSC सुजानपुर जबकि कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंदड़ू ने बाजी मारी। समापन समारोह पर सदर चुनाव क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडमी में 22 लाख रुपए से निर्मित 2 कमरों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि इन कमरों के बनने से स्कूल में बच्चों को बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे वह अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करने के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वो ऐसे महान खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। खेलकूद प्रतियोगिता में 51 स्कूलों के 505 छात्र खिलाड़ियों ने कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज, जूडो, बैडमिंटन, हॉकी, योगा तथा हैंडबॉल में भाग लिया। जूडो में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट विजेता जबकि सुजानपुर उप विजेता रहा। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने सभी विजेता तथा उप विजेता रहे बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बच्चों को 6,000 देने की घोषणा की। उन्होंने स्कूल में 4 शौचालय, बाथरूम तथा बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण के लिए स्कूल प्रशासन को शीघ्र प्राकलन तैयार कर उन्हें भेजने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भाजपा मंडलाध्यक्ष बलदेव धीमान, महासचिव राजेश गौतम, BDC उपाध्यक्ष सुरेश सोनी, जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी मस्त राम बडियाल, स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद डोगरा, संयोजक विचित्र डोगरा के अतिरिक्त अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।